वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? हम सब तो बिल्कुल ठीक हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल अच्छे होंगे और बहुत खुश होंगे। आप सभी का आपके अपने चैनल एसके ब्लॉग्स में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को मेरी राम राम। आप सभी के लिए परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करती हूँ कि परमात्मा आप सभी को अच्छी सेहत बख्शे, आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएं। आज है विजयदशमी यानी दशहरा, तो आप सभी को विजयदशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। परमपिता परमात्मा आप सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। और विजयदशमी यानी दशहरा बुराई पर अच्छाई का प्रतीक है। दशहरा हमें यही सिखा कर जाता है कि बुराई चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, वो ज्यादा देर तक टिकती नहीं है और अच्छाई की हमेशा जीत होती है। इसलिए हमें बुरे मार्ग पर कभी भी नहीं जाना चाहिए, हमेशा अच्छाई और सच्चाई का मार्ग चुनना चाहिए। और कभी कभी हालात ऐसे होते हैं, हमारे आसपास कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ढंग से जीने ही नहीं देते हैं, लेकिन फिर भी हमें कोशिश करनी चाहिए कि अगर उसका मार्ग बुराई का है तो उसको उसके हाल पर छोड़ दो। हमारा जो मार्ग है वो अच्छाई का है, सच्चाई का है, नेकी का है, तो उस पर हम चलते रहेंगे और जीत एक दिन हमारी होगी। क्योंकि चाहे कोई कितना भी अहंकारी घमंडी इंसान क्यों ना हो, एक ना एक दिन उसे जो है, जिसके साथ में जो दूसरा इंसान अच्छाई करता है ना, उसकी कदर जरूर होती है। एक ना एक दिन उसके दिमाग में बात जरूर आती है कि मैंने इसके साथ हमेशा बुरा किया लेकिन इसने कभी भी पलटवार नहीं किया। इसलिए हमें हमेशा नेक बनना चाहिए। और ये है अभी सुबह 10 बजे का टाइम। साफ सफाई का सब काम कंप्लीट करके सासू माँ को नहला दिया, उनकी मालिश कर दी है, फिर खुद नहाई हूँ और अब आई हूँ रसोई में। तो खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ, तो सोचा कि चलो ब्लॉग की स्टार्टिंग कर लेती हूँ। और अभी मैंने उबले हुए आलू की जो है सब्जी बनने के लिए रखी। सब्जी मेरी लगभग बन चुकी है। आटा लगा के पहले रोटी बना लेती हूँ क्योंकि सासू माँ को रोटी खिलानी है, और फिर बच्चों के लिए बनाऊंगी आलू और प्याज की पकौड़ी। बच्चों का मन है कि मम्मी आलू प्याज की पकौड़ी बना लो, तो रोटी पहले सासू माँ के लिए बनाऊंगी, वो खा लेंगे। विशाल के पापा जी का अगर मन करेगा पकौड़ी खाने का तो वो पहले पकौड़ी खा लेंगे, रोटी बाद में, उनका जितना मन होगा एक रोटी या दो रोटी खाने का तो बाद में बना दूंगी। और फिर ये भी होता है कि पकौड़ी खाने के बाद कई बार ऐसा होता है कि रोटी खाने का मन ही नहीं करता है, लेकिन अभी बच्चों की इच्छा है तो उसको पूरा तो करना ही पड़ेगा। और आज जो मैं आलू प्याज की पकौड़ी बनाऊंगी उसकी प्रॉपर रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। वैसे क्या होता है ना, आलू प्याज की जो पकौड़ी होती है वो लगभग हर घर में बनती है और सबको बहुत ज्यादा पसंद भी होती है, लेकिन बनाने का जो तरीका होता है ना वो सबका बिल्कुल अलग अलग होता है और मेरा भी बिल्कुल थोड़ा सा अलग ही है। तो अभी सब्जी तो बन गई है, आटा लगा लेती हूँ रोटी बना के, जिसको रोटी खानी है उनको रोटी खिला देती हूँ। और तैयारी वैसे मैंने पकौड़ी बनाने की भी लगभग जो है, जो ज्यादा मेहनत का काम है वो पहले ही करके रख लिया है कि जब एकदम से रेसिपी बनानी शुरू करूंगी तो ज्यादा टाइम लग जाएगा, वीडियो भी बहुत लंबी खिंच जाती है फिर। तो चलिए अभी फटाफट पहले तो रोटी बना लेते हैं और फिर बनाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब पकौड़ी बना लेते हैं। तो ये देखिए, 8-9 मैंने आलू लिए थे और उनको मैंने कद्दूकस करके, और जो इसके अंदर पानी होता है आलू का उसे निचोड़ कर निकाल दिया है। जितना पानी हो उसे निचोड़ कर निकाल देना चाहिए, इससे हमारी पकौड़ी जो होती है वो काफ़ी करारी बनती हैं। और फिर देखिए, मैंने प्याज को इस तरह से पतला और लंबा काट लिया है, 5-6 मैंने इसमें हरी मिर्चें ली हैं। तो ये सब चीज़ें मैंने तैयार कर ली हैं। अब इसमें ये देखिए, 2 चम्मच मैंने साबुत धनिया लिया है और इसे मैंने कूट लिया है, तो ये दरदरा हो गया है। जब हम दरदरा कूटा हुआ धनिया इसमें डालते हैं तो पकौड़ी का स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। अब इसमें हम डाल देंगे हल्दी, क्योंकि बिना हल्दी के पकौड़ी भी ज़्यादा जो है उसका कलर अच्छा नहीं आता, खाने में भी अच्छी लगती है और पकौड़ी का कलर भी अच्छा आ जाता है।
ये है सब्जी वाला मिक्स मसाला। इसकी रेसिपी मैंने पहले ही आप सबके साथ शेयर की हुई है, आप देखना चाहो तो चैनल पर इसकी वीडियो देख लीजिए। तो ये एक छोटा सा चम्मच है, ये मैं इसमें सब्जी वाला मसाला ऐड कर देती हूँ, तो इसमें सब चीज़ें आ जाती हैं। अब इसमें हम डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक। नमक आप अपने हिसाब से देख लीजिए, क्योंकि किसी को कम खाना पसंद होता है, किसी को ज़्यादा। तो ये मैंने इसमें नमक डाल दिया है। और अब इसमें हम डाल देंगे बेसन, राजधानी का बेसन है ये। और जब हम इस तरह से जो आलू का पानी होता है उसको निकाल देते हैं, तो फिर कम बेसन में ही हमारी बहुत ही अच्छी पकौड़ी बनके तैयार होती हैं। तो अब इसको मैं इस तरह से मिक्स कर लेती हूँ। और ये देखिए, जब आप इसको एक बार मिक्स करेंगे तो ये सब आपको बिल्कुल सूखा सूखा नज़र आएगा। आपको लगेगा कि इसमें पानी डालना चाहिए, लेकिन पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है। आपको ऐसे ही मिक्स करते जाना है। पानी तो हमने पहले ही आलू का निकाल दिया है, ताकि हमारी जो पकौड़ियाँ हैं वो बिल्कुल करारी बने। तो इसको बिल्कुल अच्छे से मैश करते जाइए। जब ये बिल्कुल अच्छे से मिल जाएगा इसके अंदर, ऐसे आप मसल मसल के मिक्स कीजिएगा, तो जो हमारे इसमें आलू हैं, प्याज हैं, उसमें पहले से ही बहुत सारी नमी होती है। बेशक हमने आलू का पानी निकाल दिया है, फिर भी बहुत ज़्यादा नमी होती है। तो बेसन जो है प्याज पे और आलू के जो हमने कस के डाला हुआ है उस पर बिल्कुल अच्छे से चिपक जाएगा। अगर पानी डाल दिया तो फिर हमारी जो पकौड़ी हैं वो करारी नहीं बनेंगे। इसलिए चाहे ये कितना भी सूखा सूखा लगे, एक बार तो बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे बिल्कुल ही सूखा आटा है, लेकिन जब आप इसे लगातार ऐसे मसलेंगी तो ये देखिए बिल्कुल आपका इस तरह से ये चिपकना शुरू हो जाएगा। तो मैं इसे 2-4 मिनट के लिए ऐसे ही मसल लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, जो बिल्कुल सूखा सूखा लग रहा था कि आलू अलग है, बेसन अलग है, प्याज अलग है, कुछ भी मिक्स नहीं हो रहा था, और अब इसमें थोड़ी सी मेहनत की है हमने इसको मिक्स करने की, तो आप देख सकते हैं बिल्कुल हमारा अच्छे से मिक्स हो गया है तैयार। और इसमें ये पतला भी नहीं है। अब इसकी जो पकौड़ी बनेंगी वो बिल्कुल करारी बनेंगी। तो तेल हमारा गर्म हो चुका है, तो चलिए अब पकौड़ियाँ तल लेते हैं। तो ये देखिए, एक पकौड़ी मैंने डाल के देखी है, तेल बिल्कुल अच्छे से गर्म हो गया है। तो इसको थोड़ा सा हम फैला के डालेंगे, ताकि ज़्यादा मोटी मोटी पकौड़ी ना हो, क्योंकि ज़्यादा मोटी होती है तो वो फिर अंदर से कच्ची लगती हैं। तो इसको हम इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा फैला के और फिर डालेंगे। आप चाहो तो चम्मच से भी डाल सकती हैं, मैं तो हाथ से ही डालती हूँ। तो अब जितनी पकौड़ियाँ इस तेल में आएंगी मैं सारी डाल देती हूँ। ये देखिए, जितनी पकौड़ी तेल में आ सकती थी उतनी मैंने डाल दी, और पकौड़ी हमारी पकनी शुरू हो गई हैं। और इनको इस तरह से पलटते रहेंगे ताकि ये दोनों तरफ से अच्छे से पक जाए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, पकौड़ी हमारी बनके हो गई हैं तैयार, और अब हम इसको तेल से निकाल लेते हैं। एकदम देखिए, बहुत ही करारी हमारी पकौड़ी बनी है। अब इन सबको मैं तेल से निकाल लेती हूँ, और निकालने के लिए मैंने ये बड़े वाली छलनी ली है, क्योंकि वो छोटी थी उससे अच्छे से नहीं निकल पाती, और इससे तेल भी सारा अच्छे से निचड़ जाता है। तो अब ये मैं सारी निकाल लेती हूँ और दूसरी बार की इसमें पकने के लिए डाल दूँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही यम्मी आलू प्याज की पकौड़ी, और साथ में है सॉस। तो आइए और गर्मा गर्म पकौड़ी खा लीजिए, और अभी दूसरी बार की तैयार होती है, तब तक ये बच्चों को दे देती हूँ, क्योंकि पकौड़ी गर्मा गर्म खाने में अच्छी लगती है, ठंडी हो जाती है तो वो स्वाद इसमें नहीं आता है। तो पकौड़ी खा लीजिए, और जैसी मैंने बनाई है आप एक बार इस तरह से जरूर बनाकर खा के देखिए, आप खुद कहोगे कि हाँ, इससे बढ़िया पकौड़ी हमने पहले कभी भी नहीं खाई है। तो ये दे देती हूँ पहले विशाल को। ले बेटा ले जा। कौन का है दूसरा माँ? फ्रेंड्स, ये रेसिपी आप सबको कैसी लगी आप सब मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। राधा स्वामी, राधे राधे, जय श्री राधे। बाय बाय।